चूंकि बात लद्दाख से सटे एलएसी की हो रही है और बात हो रही है कि कैसे एलएसी में भारतीय सेना चीन को जवाब देने के लिए तैयार है, इसलिए हमने सोचा कि लद्दाख से ही क्यों ना आपको उन सैनिकों से बात कराएं जिन्होंने पैंगोंग और गलवन में वो दृश्य देखा है कि कैसे चीन से मुकाबला होता है। मेरे साथ हैं ताशी छेपल, वीर चक्र से सम्मानित हैं। 1999 कारगिल युद्ध के बाद इन्हें मिला था। 30 साल इन्होंने लद्दाख स्कॉट्स में नौकरी करी है और ऑर्डिनरी कैप्टन के पद पर रहे हैं। और मेरे साथ हैं सोनम रिगजिन जो है 28 साल इन्होंने देश सेवा में दिया है और ये ऑर्डिनरी सूबेदार रहे हैं और ये भी लद्दाख स्कॉट्स में रहे हैं। इन दोनों से आप देखिए, इन्होंने तो दो गोलियां भी खाई हैं देश के लिए लड़ते हुए। आपको गोली कब लगी थी? मैं 99 की लड़ाई में लगी, वो डॉक हिल में मैंने अटैक किया था। मेरा साथ 20 जवान था अटैक के लिए। जब हम अटैक के लिए गया था वो ऊपर था, उसको हमने वहाँ से खसेड़ना था, अटैक किया कुतुबुद्ध का लड़ाई हो गया आमने सामने। तो हमने पाकिस्तान का 5 जवान मार गिराया, एक सिपाही होनार शाह हमने जिंदा पकड़ा उसको, साथ ही साथ UMG पाकिस्तान का 3 पकड़ा, पाकिस्तान पॉक रेफल 5 पकड़ा और सेनेपर भी टेलीस्कोप 1 पकड़ा। इसी तरीके से काफ़ी तादाद में अमुनिशन बारूद सारा हमने जब्त कर दिया उनका। उस जो सिपाही हुनर शाह हमने पकड़ा उससे हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिला। अच्छा, पाकिस्तान अच्छा, के अच्छा ये बताइए, आपको उसके लिए पूरा देश याद करता है, उसके लिए आपको सम्मान भी मिला और जिस पहाड़ में अभी हम लोग चढ़ रहे हैं, क्या पैंगोंग में गलवन में क्या इसी तरह का दृश्य है या इससे भी कठिन पहाड़ है जहाँ पे चढ़ाई करनी होती है? इससे भी कठिन है, कई जगह पर कठिन भी है और ऐसे भी है, मैदान इलाका भी है वहाँ, काफ़ी ग्रेजिंग भी है वहाँ। यहाँ से बहुत हाइट है, 18-19 हज़ार फीट में लड़ना वहाँ पे, फोर्स अपना पूरा इक्विपमेंट सारा लेके जाना बहुत कठिन है। रिकजी साहब, आप ये बताइए कि जैसे अभी बहुत हवा है यहाँ, तेज तूफान है जैसा कि मैं देख रहा हूँ, तो क्या इस तरह के तूफान में भी आप लोगों ने घाटियों में चढ़ाई चढ़ी है? अरे सर, ये तूफान नहीं है, ये तो कुछ नहीं, सिर्फ नॉर्मल हवा समझो उस इलाके को देख के। तो उधर तो ऐसा है, आप जून जुलाई का जो टेम्परेचर में भी जाएगा, इससे ज़्यादा हवा चलते रहते हैं, तो उसमें भी हवा तूफान में कुछ समय असर नहीं होते थे, चढ़ जाते हैं उस समय। जैसे कि अभी ये रोड का कनेक्टिविटी आप देखिए, फैसिलिटीज देखिए, हर चीज़ है हमारे पास, ताकत में देखिए, अभी कोई कमी नहीं है हमारा फोर्स को। उस समय हमें यहाँ से अगर पैंगोंग लेक पहुँचना है तो 2 या 3 दिन से पहले नहीं पहुँचते थे। पैंगोंग लेक की बात कर रहे हैं आप, 3 दिन लगते थे? 3 दिन में पहुँचते थे। हाँ, इस पहाड़ में जब मैं लेकर आया हूँ आप दोनों सेना के लोगों को, इसलिए क्योंकि बता सकूं, और जब मैं इनसे पूछ रहा था कि क्या आप इस पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, तो इन्होंने कहा कि आज भी भले हमारी उम्र हो गई हो लेकिन आज भी हम यहाँ ऊपर चढ़ सकते हैं और ये बता सकते हैं देश को कि कितना कठिन होता है। वो ये कह रहे हैं कि इससे कठिन पहाड़ी है, तो ये कठिन पहाड़ी बताने के लिए और देश को ये बताने के लिए कि आज भारत जिस जगह चीन से मुकाबले को तैयार है वो डगर बहुत आसान नहीं है। और यो डगर तब भी बहुत आसान नहीं थी जब इन सूरवीरों ने चीन के सामने ये देखा था कि कैसे उसकी हरकत को जवाब दिया जाए, और आज भी नहीं है। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं और ये बता रहा हूं कि कितना कठिन होता है इस तरह की सीधी पहाड़ियों में चढ़ जाना। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप जो हम अभी इस पहाड़ में चढ़ रहे हैं, आप तो कोई सहारा भी नहीं ले रहे हैं, तो क्या अभ्यस्त हैं, ऐसे ही चढ़ते थे? बिल्कुल ऐसे ही चढ़ता था, ये छोड़ के बिल्कुल बिल्कुल खड़ा चट्टान होता है, हम रस्सी भी लगा के पूरा हथियार और इक्विपमेंट लगा के रॉक फिक्स के भी करके भी चढ़ा था। जब 99 की लड़ाई में जब लड़ने के लिए गया था, रॉक फिक्स करना पड़ा,
बहुत कठिन है। अभी एक चीज़ है, अभी सर्दी बढ़ते जा रहा है डे बाई डे, फौज को एक तो मौसम से के साथ वो लड़ना पड़ेगा, साथ ही साथ दुश्मन के साथ तो लड़ना है। तो यहाँ का तापमान तकरीबन उस इलाके में 30-35 डिग्री माइनस में चलता है, तो वहाँ उस हिसाब से फौज तैयार होना चाहिए। अभी जहाँ ये तनाव की स्थिति बनी है, दासी साहब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि अभी जहाँ तनाव की स्थिति, वहाँ आपने काम किया है? बिल्कुल, मैं तकरीबन मैं वहाँ 19 साल सर्विस किया। 19 साल आप रहे पेंगोंग में, जहाँ पर अभी वो जिस जगह की बात हो रही है वहाँ आप 19 साल सर्विस में? उसी इलाके में मैं किया था। मैं थकुंग पोस्ट में दो बार प्लाटून कमांडर, पोस्ट कमांडर में रहा। दुश्मन का लाश सरजब पोस्ट है, सरजब पोस्ट से आगे वो नहीं आता था। अभी सुनने में आया कि फिंगर फोर्ट तक वो आ गया, आने क्यों दिया? मैं तो गवर्नमेंट से यह चाहता हूँ, लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है दोनों के बीच में, लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बीच में नॉर्मल लैंड है, नॉर्मल लैंड से अगर दुश्मन हमारे तरफ क्रॉस कर दिया तो उसको शूट कर देना चाहिए, फौज को छूट देना चाहिए। हमारे इलाके में क्यों आने दे रहा है? शूट करना चाहिए, आने नहीं दे। ये धक्का मुखी वाला डायरेक्ट अभी छोड़ना चाहिए, काफ़ी देर हो गया, 2 साल हो गया अभी धक्का मुखी बोलते हुए, ये धक्का मुखी वाला छोड़ना चाहिए। ये जो इनके सीने में मेडल लगा है, ये बताता है कि किस तरह से इन्होंने देश सेवा की है। इस तरफ देखिए तासी जी के यहाँ पर, इसमें इन्होंने इनको कैसे, ये कौन सा चक्र है? वीर चक्र है, ये वीर चक्र है जो इनको 1999 के बाद मिला था। मैं यूएन मिशन में ये मिला, यूएन मिशन कंगो में मैंने 6 महीना काटा। अच्छा। यूएन मिशन मेरे को सर्विस करने का मौका मिला। अच्छा, अच्छा, जब मैं इनसे आ रहा था, यकीन मानिए, जब मैं इनसे कह रहा था कि आपको मेरे साथ लद्दाख के उन पहाड़ियों में चलना पड़ेगा जहाँ चढ़ना बहुत मुश्किल है, तो इन्होंने कहा कि देखिए देश के लोगों को ये जानना बेहद जरूरी है कि कैसी कठिनाइयों का सामना करके हमारे जो वीर जवान हैं वो देश की रक्षा के लिए तैनात हैं। तो इन्होंने कहा कि आप मुझे जहाँ ले जा सकते हैं वहाँ मैं जाने के लिए तैयार हूँ, और इसलिए वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ कि मैं ये बता सकूँ कि कैसे हम लोगों ने जब वहाँ लड़ाई लड़ी है और हम लोगों ने जब सामना किया है दुश्मन देशों का तो कितना मुश्किल होता था। मैं तो थक गया था आसी साहब, आप थके नहीं? ना, अभी थकने का इसी इतने में थकेगा तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे चाइना के साथ? हाँ। ये तो कुछ है नहीं, हम आगे जाएंगे ना, आराम से चढ़ूंगा। अच्छा, मेरा अभी तकरीबन उम्र भी 60 हो गया, अभी भी मैं लड़ सकता हूँ। हाँ। आराम से लड़ सकता हूँ, इक्विपमेंट लेके पूरा साथ लेके जा सकता हूँ। आप थके तो नहीं? अभी तक तो थकने का तो साहब ने बता दिया। अभी आप देखिए लगभग मेरा एज भी साहब का एज के है। अभी आपने हमें ये मेडल के बारे में पूछे थे, इस मेडल को यहाँ सेने में लगा के आज हम अपने आपको फौज से कम नहीं समझता हूँ। अभी इससे कम नहीं समझते हैं? अभी जो सर्विस कर रहे हैं उनसे हम कम नहीं समझता हूँ। ये जोश, क्या भारत चीन सीमा पर जो लोग हैं, लद्दाख स्क्वाड से आप लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़ी, आज जो लोग हैं वहाँ पर उनके हौसले को किस तरह से आप मजबूत करेंगे? मैं तो ये कहता हूँ आपके पीछे हम सारा है, हम छोड़ के लद्दाख के पूरा सिविलियन फौजी के साथ कंधे से कंधे मिले के लड़ने के लिए आता है, पोटर का कम करने के लिए। चाहे आप 71 में देखो, 62 में देखो, 99 में देखो, पूरा लद्दाख के लोग वॉलंटियर निकला है लड़ने के लिए। जैसे गाड़ी है, ट्रक यूनियन है, टैक्सी यूनियन है, उन लोग ने गाड़ी लाया, जिनके पास घोड़ा गद्दे है वो निकल गया। उस टाइम की बात बता रहे हैं? हाँ, उस टाइम के। कल भी हम इसी तरीके से निकलूंगा, जरूर पड़ेगा तो देश के लिए हम तैयार हैं। अच्छा, मैं अभी जब आपसे बात कर रहा था गाड़ी में, तो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि उस समय हमारे पास आधुनिक हथियार नहीं थे, उनके पास AK-47 था और हमारे पास 303 था, और हम बहुत कम हथियारों में भी मुकाबला कर रहे थे। आज पहले की स्थिति थोड़ा सा बताइएगा कितना कठिन था, उसके बाद फिर मैं आज की स्थिति पे बात करूंगा। सर, हम लोग यहाँ से टैंक ट्यूबों में जाता था, अभी छोंगटा जैसे गडवन नाला सेट में, प्रतापपुर से छोंगटा पहुँचने में 21 दिन लगता था, 21 डेज खच्चर के साथ पूरा मैन पैक लेके जाता था, पूरा मैन पैक लेके पैदल
और घोड़े पे जो राशन सामान चढ़ा के हम लोग ये शावक रिवाज से 21 दिन वहाँ लगता था, 21 दिन में वहाँ पहुँचता था। हम फिर भी पैदल और घोड़े से, घोड़े से जहाँ पर हम लोग रेस करता था, फुटबॉल लेके वॉलीबॉल लेके हम लोग वहाँ खेलता था, दिन भर चल के शाम को जहाँ पर रेस करेगा चाय वाय पी के उसके बाद फिर गेम खेलने के लिए हम लोग निकलता था। मैं ये कह रहा हूँ कि जो यहाँ से पेंगोंग गलवन की ओर रास्ता जाता है, भले ही हमारे पास चमचमाती हुई सड़क है, लेकिन बर्फबारी में तो ये 6 महीने के लिए बंद हो जाता है, फिर तो बहुत मुश्किल होगा अगर हालात खराब होंगे। एक्चुअली में लेट टू अभी वो जुशुल का रोड बंद नहीं रहते हैं, अगर ये चांगला टॉप कहीं रोड ब्लॉक भी हो गया 2 या 3 दिन के लिए हो जाते हैं, मैक्सिमम खुला रहते हैं। अभी विंटर का प्रॉब्लम क्या है कि विंटर में ये हिमाचल रोड और दुजिला पास जो ना ये दोनों बंद हो जाते हैं, तो भारत सरकार का क्या है उस समय हवाई जहाज से हर चीज़ यहाँ पर, हवाई जहाज से हर चीज़ ले जाना यहाँ से संभव है और फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी जो आज के हालात हैं उस पर। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, यहाँ पर लद्दाख सिकोट का स्टैंड बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लद्दाख सिकोट का स्टैंड बढ़ेगा, लद्दाख सिकोट के जवान छुट्टी आएगा तो यहीं छुट्टी काटेगा, गली शहर में डायरेक्ट जाएगा, तो इसलिए फौज को भी बहुत आसान पड़ेगा कि हवाई जहाज से आना जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए लद्दाख सिकोट का कम से कम 15-20 बटालियन बनना चाहिए ताकि गवर्नमेंट को भी फायदा है, क्योंकि हम यहाँ का पैदाइश है, हम थोड़ा नीचे के निस्बत हम ज़्यादा चार सकता है, यहाँ के वातावरण सब कुछ हमें मालूम है, इसलिए लद्दाख सिकोट का स्ट्रेंथ बढ़ाना बहुत ज़रूरी है हिंदुस्तान के लिए। भारत माता की जय, आप लोग यहाँ से तेज से लगाएंगे, सुनाई देगा एक बार हो जाए, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की, किकी ससो हर गेलो, किकी ससो हर गेलो, किकी ससो हर गेलो। ये किकी ससो हमारा लद्दाख सिकोल का मोटो है, जब पूरा जीत के बाद किकी ससो लार गेलो। ये जो तस्वीर आपने देखी लद्दाख के पहाड़ियों से, ये जो हुंकार आपने देखी लद्दाख के पहाड़ियों से, और ये जो आप जोश देख रहे हैं, ये जो जज्बा देख रहे हैं, और यहां से देश के उन वीर जवानों को जो 60 साल के रिटायर फौजी संदेश दे रहे हैं, ये बताता है कि लद्दाख में रहने वाला वो शख्स और लद्दाख में रहने वाला वो फौजी जिसने कभी चीन का सामना किया है वो भी जोश से लबरेज है। तो यकीन मानिए जो भारत और चीन सीमा के एलएसी पर तैनात है वो कितना भरोसे से, कितने विश्वास से वो लबरेज होगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।